नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सिविल्स क्लासरूम। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइमलाइंस। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ टाइमलाइन देख लेते हैं कि किस ईयर में क्या हुआ था। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो अगस्त ऑफर आया 1940s में, अगस्त ऑफर आया। फिर 1941 में अगस्त ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद कांग्रेस ने इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह जब ऑर्गेनाइज होने लगे, प्रोटेस्ट काफ़ी हद तक बढ़ गया, तो उनको कंसिलेट करने के लिए, एक मध्यस्थता करने के लिए क्रिप्स मिशन को फिर से बरतानिया की सरकार लेके आई। क्रिप्स मिशन के बाद जब कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को भी ठुकरा दिया, तो क्रिप्स मिशन के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को कांग्रेस ने स्टार्ट किया, जिसमें डू और डाई जैसे स्लोगन्स को इस्तेमाल किया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय से ही बंगाल में फेमाइन आ रखी थी और बंगाल में सूखा पड़ने की कंडीशंस में कई लोगों की मौत हो चुकी थी। प्लस जो भी फूड ग्रेन्स हो रहा था, वो फूड ग्रेन्स डाइवर्ट हो रहा था वॉर में। वर्ल्ड वॉर 2 चूंकि चल रहा था इस समय पर। फेमाइन के बाद जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में मध्यस्थता करने वाले दो फॉर्मूले आए थे, जिसको CR फॉर्मूला बोलते हैं और देसाई लियाकत पैक्ट बोलते हैं, 1944 और 45 में। नेक्स्ट जो सीक्वेंस आता है वो वेवेल प्लान आता है, जिसमें ये बोला जाता है बेसिकली कि वॉइसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के जो भी वॉइसराय की काउंसिल में मेंबर्स हैं वो सब इंडियंस होंगे, सारे मेंबर्स जो हैं वो इंडियंस होंगे। प्लस इसके बाद रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी होती है, क्योंकि इस समय वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुका होता है और INA सोल्जर्स का ट्रायल प्रोसेस में होता है। तो सभी सोल्जर्स की प्लाइट एक जैसी थी, पे और प्रमोशंस में उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना हो रहा था, तो इस वजह से रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी होती है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान होता है, जिसमें थ्री वे ग्रुपिंग की बात की जाती है। ये सब हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद 1947 में अचानक से फेबरवरी में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं क्लेमेंट एटली साहब, इन्होंने ये एक डिक्लेयर कर दिया कि एक साल के अंदर या नेक्स्ट ईयर तक हम पावर को डिवॉल्व कर देंगे इंडियंस को, और 1948 के पहले ही भारत को, भारत ब्रिटिश की जो ट्रूप्स हैं वो छोड़ देंगी। इसके चलते माउंटबेटन प्लान जल्दी जल्दी में बनता है, और माउंटबेटन प्लान में ये बात की जाती है कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, अगर पार्टीशन होगा तो मैक्सिमम यूनिटी से पार्टीशन होगा, और इन्होंने ये भी कहा कि प्रिंसलेस स्टेट्स को मौका मिलेगा अपने इंडिपेंडेंस को घोषित करने का, चाहे वो इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन करें या पाकिस्तान डोमिनियन को ज्वाइन करें। और इन्होंने एक रेड क्लिफ कमीशन की भी स्थापना की, अपॉइंटमेंट किया, जो डिलीनिएट करेगा बाउंड्रीज को बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में। तो ये टाइमलाइन थी जिसको फॉलो किया जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो इंडिविजुअली हम अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये टाइमलाइन है: अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, फेमाइन इन बंगाल, देन CR फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट, वेवल प्लान, देन रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, कैबिनेट मिशन प्लान, देन डिक्लरेशन दैट पावर वुड बी डिवॉल्व विद इन अ ईयर टू द इंडियंस बाई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, एंड देन कम्स द माउंटबेटन प्लान एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। थैंक यू।